देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में जयपुर के शास्त्री नगर के कांवटिया अस्पताल में लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है, साथ ही बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए जाति धर्म किया है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसे में सेना के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं विकास के मुद्दों की बात करने वाली बीजेपी अब सेना के नाम पर राजनीति करने लगी है। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी सरकार की ओर से बजट में घोषणा की जाती है, लेकिन जनता के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमने कांग्रेस ने एक नारा दिया, राहुल गांधी ने नारा दिया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रघु शर्मा, हम सब ने मिलकर एक ही नारा दिया है। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान है। और इस देश की आजादी की लड़ाई सब ने मिलकर लड़ी। आज जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार और प्रेम से रहेंगे, तब भारत माता मजबूत होगी। आज जरूरत इस बात की है कि जब आज जम्मू कश्मीर की खबर आई तो वहां पर हिंदू भी मरा है तो मुसलमान भी मरा है, 3 सिपाही मुसलमान भी मरे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को लड़ाना आसान है, लेकिन इनको एक करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त कोई जाति धर्म नहीं है, तिरंगा मेरी आन बान।